भेजा थाना अंतर्गत कोसी दियारा क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या संदिग्ध स्थिति में कर दी गई। घटना महपतिया पंचायत के कोरिया धांत गांव में मंगलवार रात घटित हुई। कोरिया धांत गांव निवासी 70 वर्षीय वासुदेव यादव की हत्या उस समय कर दी गई, जब वे अपने दरवाजे पर सोए थे। घर के लोगों को सुबह जागने पर घटना का पता चला। लोगों ने उनके छाती पर बाएं तरफ जब गहरा जख्म देखा, तब हत्या की आशंका हुई। यह जख्म चाकू भाला का है या गोली लगने का, वह स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृतक के परिजन 3 साल पुरानी रंजिश में हत्या कर देने की बात कह रहे हैं। परिजन गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मेरे पिताजी पर चाकू या बंदूक से किया गया है। हम अच्छा जी, फिर क्या हुआ? इसके बाद बहुत 8-10 आदमी था, उसको और को पहचान पाए और को नहीं पहचान पाए, जिसमें कि जो है उमेश यादव, गणेश यादव, उसका शिव का नाम है, उसका शिव शंकर और बाबाजी यादव, महावीर यादव, और हम गिर गए और नहीं पहचान पाए। घटना कितने बजे का है? इतना 3:30 बजे। आप लोग कब देखे? हम 4 बजे। फिर क्या किया? तो भाई जी से उठे फोन, बड़का भाई जी उधर से आए, हमको भी उठाए, अब मेरे भाई जी को भी फोन किए, यहाँ से सरोनी कब आए, इसके बाद देखे। फिर क्या किया? फिर सब आदमी जमा हुआ तो बोले जैसे खाना करेंगे, खाना करेंगे, तब तो हम लोग अपना, हम तो सेंसलेस हो गए। मृतक की हत्या कर दी गई है जी। किस चीज़ से? चाकू या अथी से? तो छानबीन करने के बाद पता चलेगा जो क्या चीज़। घटना की सूचना पाकर झंझारपुर DSP पवन कुमार, मध्यपुर थानाध्यक्ष प्रकाश चंद्र राजू, भेजा थानाध्यक्ष सूरज कुमार, RS थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, मध्यपुर के अपर थानाध्यक्ष महादेव साहू, भेजा के अपर थानाध्यक्ष वशिष्ठ कापर पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात की। FSL टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर नमूना एकत्रित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। इधर झंझारपुर DSP पवन कुमार ने बताया कि हत्या के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। जख्म देखने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि कोई तेज हथियार छाती में घोंप दिया गया या गोली मारी गई। यही कोरिया पट्टी गांव में भेजा थाना अंतर्गत एक वृद्ध आदमी करीब 70-75 वर्ष उम्र के रात में सोए हुए थे, तो वासुदेव यादव जी परिजनों द्वारा बताया जा रहा है और कि गोली या चाकू के माध्यम से मार के हत्या कर दी गई है, लेकिन स्पष्ट कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है किस चीज़ से और कैसे घटना घटी है। कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि मारपीट कर किया गया है और जो इसको भागते हुए देखा गया है। पोस्टमार्टम के लिए प्रक्रिया भेजी गई है और विधि सम्मत कार्रवाई, प्राथमिकी दर्ज करने और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की नज़र में सर प्रथम दृष्टया से क्या लग रहा है? अभी जांच चल रही है, FSL की टीम भी आ रही है, उसके उपरांत ही निर्णय आगे लिया जाएगा।